अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, स्टे सेफ एट होम. आई एम फ्रॉम द सेंट्रल स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर ऑनलाइन लेक्चर लेवल 8 जर्नल साइंस. टुडे इज 24th April 2021 एंड द यस्टरडे टुमारो वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर यूनिट 3 बायोटेक्नोलॉजी. एज यू नो वेरी वेल दैट वट इज द बायोटेक्नोलॉजी. This is a basically an application which we can apply in the field of medicines, in the fields of the engineering, and can to change the life techniques of the humans. So bio means life, and technology words comes from the techniques. By applying different kind of techniques, we perform different function in the living organism. Here we are going to start introduction of the genes into bacterium, and why do scientists use bacteria in a genetic engineering. So these are two topics which we discuss today. So first, introduction of gene into bacterium. Before start our lecture, kindly subscribe our Central School channel and press the bell icon so you can receive day by day lecture very easily, okay, and get a notification on your mobile phone. Yes, student, our topic is introduction of gene into bacterium. First, what is gene? Gene kya hai? Yes, tell me, genes kya hote hai? You know, genes is a very tiny units of the heredity. A gene is a basic physical and the functional unit of heredity. It's mean this is the tiny units is responsible to transfer the character from parents to their offspring. So genes are made up of DNA. ये किससे बने होते हैं? DNA. DNA itself a hereditary material which transfer the characters and provide the set of instruction to make molecules called protein. उनका काम क्या है? जब ये gene DNA के साथ combine हो जाते हैं तो ये ना सिर्फ hereditary character को transfer करते हैं but also फॉर्म अ मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड द प्रोटीन. और ये प्रोटीन हम अपनी लाइफ में डिफरेंट प्रोसेस के लिए, मेडिसिन के लिए, वैक्सीन के लिए या इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट प्रोसेस में हम ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अपनी लाइफ को क्या कर सकें, ईजी बना सकें. तो हियर वट इज अ जीन? जीन इज अ बेसिकली अ टाइनी यूनिट्स विच आर मेड अप ऑफ DNA. एंड वट इज द बैक्टेरियम? बैक्टीरियम क्या है स्टूडेंट आपके पास? अगर हम देखें तो बैक्टीरियम जो बैक्टीरिया प्लूरल टर्म है, मतलब अगर कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स को देखें तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है. लेकिन अगर हम सिंगुलर फॉर्म में देखें तो जो बैक्टीरिया के सिंगुलर है दिस इज कॉल्ड दी बैक्टीरियम. व्हाट इज बैक्टीरियम? सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या है बैक्टीरियम? सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वेरी फास्ट है. मतलब वो जल्दी से अपने सेल्स को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके अपने जैसे एक से दो, दो से चार, चार से छः से आठ, वट एवर जितने भी उसके डिवीजन होती जाएगी उसके सेल्स जो है उनका साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो हियर ओवर टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, की हम किस तरह से बैक्टेरियम के अंदर जीन को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और उस बैक्टेरिया की कॉपीज बनाने की कोशिश करते हैं. और जब वो कॉपीज बन जाती हैं तो उसके रिजल्ट में हमें जो प्रोटीन हासिल होती है वो प्रोटीन हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में डिफरेंट पर्पज के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 35. बाय द हेल्प ऑफ द बुक वी विल डिस्कस जीन इन टू बैक्टेरियम इंसर्शन. यस स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इन टू बैक्टेरियम. जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रोटीन. स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया था कि जीन होते क्या हैं. जीन क्या होते हैं? आई एम रिपीटिंग अगेन, जीन आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं. ये टीनी यूनिट्स हैं, फिजिकल जो आपके पास यूनिट्स हैं जो हेरिडिटरी करेक्टर को ट्रांसफर करते हैं. ये DNA से बनाए जाते हैं और इनका बेसिक काम क्या है, इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रोटीन. ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं विच आर यूज बाय स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल पर्पज इन दी बॉडी. जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए क्या की जा रही है,
इस्तेमाल की जा रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। और आपको पता है कि ये जीन इनटू बैक्टीरियम जो इंट्रोडक्शन हो रही है, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो हम प्रोटीन बना रहे हैं, वो बेसिकली क्या प्रोसेस है? दिस प्रोसेस बेसिकली नोन एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट्स मीन हम अपने जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके साथ कोई चेंजिंग कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि हम उससे दूसरे कोई जो है यूजफुल जीन जो है वो क्या कर सकें, प्रोड्यूस करवा सकें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है आपके पास एक एडवांस टेक्निक है इन अ बायोटेक्नोलॉजी इन विच साइंटिस्ट सिलेक्ट एंड आइसोलेट। साइंटिस्ट पहले सिलेक्ट करेगा, फिर उस जीन को आइसोलेट करेगा फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। वो वन ऑर्गेनिज्म क्या होगा? इट्स मीन वो डोनर ऑर्गेनिज्म के से जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वहां पे उस सेल को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, आइसोलेट करेगा। यूजली वो सेल क्या होगा, वो सेल आपके पास क्या कराएगा, बैक्टीरियम सेल होगा। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरेन जीन, और जो ऑर्गेनिज्म उस फॉरेन जीन को, मतलब उस डोनर ऑर्गेनिज्म वाले जीन को एक्सेप्ट करेगा इन इट्स सेल, अपने सेल के अंदर, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। उस जीन को हम किसका नाम देंगे? यस, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले टर्म है कि जीन क्या है। रिमेंबर, जीन क्या है, व्हाट इज जीन्स, देन व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन बेसिकली डिपेंड अपॉन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है हमारे पास? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया जीन को क्या करता है, डोनर सेल से पेरेंट सेल में, या आपके पास जो डोनर सेल है उससे कैरियर सेल में, जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने इंसर्ट करना है, आइसोलेट करना है, दिस सेल इज कॉल्ड द कैरियर सेल। हमने कैरियर सेल के अंदर, उसके अंदर क्या करना है, उस फॉरेन जीन को, डोनर जीन को आइसोलेट करना है। उस ऑर्गेनिज्म को हम किसका नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन दिस ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जीन फ्रॉम द कैरियर टू द डोनर, सॉरी डोनर टू द कैरियर। द इंसर्ट जीन प्रोड्यूस द डिजायर प्रोटीन इन अ ट्रांसजेनिक। और इस इंसर्शन ऑफ जीन से हमें क्या चाहिए थे, हमें वो डिजायर प्रोटीन चाहिए होती है जिसे हम बहुत सारे वैक्सीन, बहुत सारे जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, ताकि लाइफ को क्या कर सकें, इजी वे में हम सर्वाइव कर सके। तो हियर हम जीन को किस तरह से बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो जो जीन ट्रांसफर होता है वो डोनर होता है, जो जिसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियर जीन। एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस नोन एज द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, या हाउ जीन इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियम। नेक्स्ट हमारे पास है, Why do scientists use bacteria in a scientists genetic engineering में bacteria ही क्यों use करते हैं? आप अपनी previous slide को जरा देखें and look at this slide. Rate of reproduction is very fast. Student, आप यहां से इस question का answer दे सकते हैं कि why scientists use bacteria in a genetic engineering? कि scientists genetic engineering के लिए bacteria को ही क्यों use करते हैं? Let discuss with by the help of the textbook. Bacteria cell is a very simple. सबसे पहले, this is a single cell living organism. We can see the internal structure of the cell by the help of the best microscope, that how the bacteria grow and how many and which organelles are present in the bacterial cell. So why do scientists use bacteria in genetic engineering? Because bacterial cell is a very simple and easy to grow. It does not have an organized nucleus. Iske andar nucleus na well developed nahi hota. The chromosome consisting of a DNA. Student, ye chromosomes hain. Ye jo aapko आउटर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। ये आपको सर्कुलर जो नजर आ रहे हैं, सर्कल सिंपल है, स्मॉल से हैं, सर्कुल है, और ये आप पता है ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये बेसिकली प्लाज्मिड है, ये डीएनए का पार्ट है, ये भी डीएनए की मॉलिक्यूल है। ये इनको डबल स्ट्रैंड इसलिए कहा गया क्योंकि डीएनए इटसेल्फ खुद डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड, इट लैडर की तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये प्लाज्मिड भी सेम, अगर इंटरनल इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये कैसे लगते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड है, स्मॉल है और सर्कुलर है, और ये बेसिकली क्या है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है।
तो जो बैक्टीरिया होता है हमारे पास, द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ डीएनए, ये फ्लॉट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म, एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड, ये जो एडिशनल पीस है डीएनए के मोल, इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ये भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। हम जो इंसर्शन कर रहे हैं जीन की बैक्टीरियम के अंदर, वो हम इसी प्लाज्मिड की मदद से करते हैं। तो प्लाज्मिड कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, क्योंकि हम प्लाज्मिड को इजीली क्या करते हैं, इस सर्कुलर पीस से छोटा सा डोनर सेल जो है हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ताकि हम उस डोनर सेल को कैरियर सेल के अंदर क्या कर सकें, आइसोलेट कर सकें। और जब हम उसको आइसोलेट कर देंगे, उस बैक्टीरियल सेल को यहां से कट कर लेंगे, डोनर पार्ट इसका थोड़ा सा पीस कट कर लेंगे अटैच विद इट, तो हम उस बैक्टीरियल सेल के साथ क्या कर देंगे, अटैच। प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच फॉरेन जीन इनटू बैक्टीरियम, वो प्लाज्मिड क्या करेगा, कैरी कर लेगा फॉरेन जीन्स को अपने साथ उस बैक्टीरियम के अंदर। इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द फॉरेन जीन, इस वजह से हम प्लाज्मिड को क्या कहते हैं कि प्लाज्मिड जो है वो कैरियर जीन के तौर पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। इट्स मीन वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जीन्स के सेल्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अनदर रीजन फॉर दिस यूजिंग बैक्टीरिया इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज दैट द फास्ट रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये बात मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपको बताई थी कि हम जीन किसको कहते हैं और बैक्टीरियम किसको कहते हैं, और वो बैक्टीरियम जो होता है वो बेसिकली वो क्यों होता है, वो सिंगल सेल होता है और उसकी जीन इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती है क्योंकि उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्या होता है, तेज होता है। अगर आप देखें, दिस इज अ क्विक बॉस क्विक बॉक्स एंड हियर इज इंफॉर्मेशन अबाउट अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल विद इन 20 मिनट्स, मतलब एक सेल से दो सेल जो है वो 20 मिनट्स के अंदर जो क्या कर सकते हैं, ग्रो। अगर आप 24 आवर्स का एस्टिमेटेड टाइम लें तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 24 आवर्स के अंदर इसके बहुत सारे सेल्स ऐसे बन जाएंगे जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और जो हम डिफरेंट पर्पज के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट हाउ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम एंड व्हाई साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो स्टूडेंट, दिस इज टुडे डायरी, रीड थरोली पेज नंबर 35। 35 में जो पेज नंबर 35 जो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन टू बैक्टीरियम, ये आपने रीड करने हैं, और आपने इन्हीं दोनों टॉपिक्स को, हाउ जीन इंट्रोड्यूस इन टू बैक्टीरियम एंड वाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनको राइट करना है अपनी नोटबुक पर, और आपने इनको क्या करना है, लर्न करना है। दिस इज योर टुडे डायरी, होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडे लेक्चर। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।